ये हमला किसी मार्केट पे नहीं, कि हमारे पास कोई इंटेल नहीं था। मैंने और मेरी टीम ने वो हमें बताना चाहता है कि दिल्ली के बाद वो कमजोर नहीं हुआ है, अब वो रुकेगा नहीं। तो पता नहीं वो लोग कहाँ निकल जाएंगे। दोस्तों, साउथ की सुपरस्टार राम पोथिनेनी की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है डबल स्मार्ट, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी होने वाली है, या फिर आप इस मूवी को एक साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर मूवी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस मूवी के अंदर साइंस फिक्शन वाले कुछ सीन्स हमें देखने को मिल जाएंगे जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। खबरों की माने तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ होने वाला है। तो वहीं इस मूवी में मेन लीड रोल में राम पोथिनेनी देखने को मिलेंगे और इनके अलावा बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त देखने को मिल जाएंगे। तो वहीं लोगों के बीच इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा हाइप बनी हुई है। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे, राम पोथिनेनी की अब तक की जितनी भी मूवी रिलीज की गई है उनमें से ये उनकी करियर की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है, जिसको बड़े लेवल पर पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जो कि शायद उनकी पिछली मूवीज को कभी भी रिलीज नहीं किया गया। अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो खबरों की माने तो इस मूवी के अंदर हमें सुपरस्टार राम पोथिनेनी एक ऐसे व्यक्ति के रोल प्ले करने वाले हैं जिसके दिमाग में एक चिप फिट कर दी जाती है और उसको कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इस मूवी की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है, यहाँ कुछ बड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मूवी में जो एक्शन सीन है वो काफी जबरदस्त होने वाली है, ऐसा मेकर्स का कहना है। तो वही बात करें इस मूवी से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में, तो इस मूवी की शूटिंग किसी रीजन की वजह से रोक दी गई थी, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि इस मूवी की शूटिंग जल्दी स्टार्ट कर दी जाएगी। तो खबरों की माने तो इस मूवी को मई के लास्ट वीकेंड में रिलीज किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप सब डबल स्मार्ट मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है।